हेलो दोस्तों, आज मैं हैचेट मूवी सीरीज के पार्ट टू को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगा। अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत उसी सीन के साथ होती है जो हमें पार्ट वन के लास्ट सीन में दिखाया गया था। मेरी बैथ विक्टर क्राउली की आँख को फोड़ देती है, जिससे क्राउली उसे पानी में फेंक देता है। मेरी बैथ उसके चंगुल से छूटने के बाद वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान उसे जैक मिलता है, जिसने उसे और उसके साथियों को स्वयं की ओर जाने से मना किया था। वह उसे लेकर अपने घर चला जाता है। उसका घर जंगलों के किनारे पर होता है। अब मेरी बैथ उसे जंगल में हुई घटनाओं के बारे में बताने लगती है कि मेरे साथ जो लोग थे वे सारे के सारे मारे गए हैं, और उन सभी को मारने वाला विक्टर क्राउली है। यहाँ तक कि वो अपने पिता और भाई के बारे में भी बता देती है कि उन्हें भी क्राउली ने ही मारा है, और उसी का बदला लेने के लिए मैं यहाँ आई थी। जिस पर जैक कहता है कि मैंने तुम लोगों को जाने से पहले ही मना किया था, लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं माने, और तुम लोग के साथ जो भी कुछ हुआ मेरी बात ना मानने के कारण हुई। अब वह मेरी बैथ से कहता है कि तुम्हें काफ़ी चोट लगी है और तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर मेरी बैथ कहती है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना होगा, लेकिन वह कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगी। तुम लकी हो जो इस जंगल से बचकर वापस आ गई, वरना क्राउली तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। अब तुम यहाँ भूल से भी मत आना। इसके बाद जैक उससे पूरा नाम पूछता है, जिस पर वह अपना नाम मेरी बैथ डंस्टन बताती है। डंस्टन नाम सुनकर जैक काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, और इसलिए वह उसके डैड का नाम पूछता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वह सैमसंग की बेटी है। अब वह मेरी बैथ को वहाँ से फौरन निकल जाने को बोलता है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मेरी बैथ को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसे अचानक क्या हो गया है। वह उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे गन पॉइंट पर ले आता है और कहता है कि अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो जाओ शहर में, तुम्हें एक जॉम्बी नामक आदमी मिलेगा, वही तुम्हें सब कुछ बताएगा। यहाँ पर बता दूँ कि जॉम्बी वही आदमी होता है जिसके पास बेन और मार्कस टूर के टिकट के लिए गए थे। इसके बाद मेरी बैथ वहाँ से निकल कर चली जाती है। उसके जाने के बाद जैक उसकी पर्स से एक वीडियो कैमरा निकाल लेता है। ये कैमरा डग का होता है जो उस टूर पर आया था। खैर, वो कैमरे का वीडियो ऑन करके नेक्स्ट लड़कियों की वीडियो देखने लगता है, लेकिन उसी वक्त क्राउली वहाँ आ जाता है और उसके पेट में हाथ डालकर उसकी आंतें ही बाहर निकाल देता है। जैक बुरी कंडीशन में होने के बावजूद भी वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउली उसे भागने का मौका नहीं देता और उसकी आंतों को ही उसकी गले में लपेटकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेरी बैथ जंगल से निकलकर शहर में पहुंच चुकी होती है। वह इस वक्त जॉम्बी के घर को ढूंढ रही होती है। थोड़ी ही देर में उसे उसका घर मिल जाता है। यहाँ पर जॉम्बी उससे कहता है कि वह उससे कुछ देर बाद आकर मिले, लेकिन मेरी बैथ कहती है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है, जिसके बाद वह उसे घर के अंदर ले जाता है और उससे सारी बात पूछने लगता है। जिसके बाद मेरी बैथ अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उसे बता देती है, और साथ में ये भी बताती है कि बोट का ड्राइवर सॉन की भी मौत हो गई है। ये सुनकर जॉम्बी काफ़ी नाराज हो जाता है, क्योंकि सॉन उसी के लिए काम करता था और वो बोट भी उसी की होती है। अब मेरी बैथ उसे अपने डैड का नाम बताती है और उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या जानता है। जॉम्बी उसे एक कहानी बताना शुरू करता है कि कुछ साल पहले थॉमस क्राउली नाम का एक आदमी अपने वाइफ सियान के साथ उस जंगल में रहा करते थे। उसकी वाइफ अक्सर बीमार रहा करती थी क्योंकि उसे कैंसर था, और इसलिए थॉमस उसकी देखभाल के लिए एक नर्स को रखा था जिसका नाम लेना था। लेकिन समय के साथ थॉमस और लेना के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। थॉमस ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था, और एक दिन वह अपने वाइफ को मरा समझ उसके सामने लेना को किस करने लगता है। लेकिन तभी सियान अचानक उड़ जाती है और लेना के पेट में पल रहे बच्चे को कर्स यानी श्राप देकर मर जाती है। अब कुछ महीनों बाद लेना एक बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा इतना बदसूरत होता है कि लेना उसे देखने के बाद अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद थॉमस अकेले उस बच्चे का परवरिश करने लगता है और लोगों से उसे छुपा कर रखता है। एक दिन उसे शहर से आने में देर हो जाती है, और इसी दौरान तीन बच्चों की शरारत की वजह से घर में आग लग जाती है। जब थॉमस अपने घर पहुंचता है तो वह विक्टर क्राउली को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इन सब में वह मारा जाता है। अब अपने बेटे का बदला लेने के लिए थॉमस उन्हीं तीन बच्चों के घर जाता है, लेकिन बच्चे का दूर होने का गम वो जानता था और इसलिए वह उन बच्चों को छोड़ देता है। अब कुछ वर्षों बाद अपने बेटे के गम में उसकी भी मौत हो जाती है, और तभी से क्राउली जंगल में अपने डैड को ढूंढता फिरता रहता है
और उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वह उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद मैरी बेथ जॉम्बी से पूछती है कि ये सब में मेरे डैड का क्या रोल है। जॉम्बी बताता है कि जिन तीन बच्चों की वजह से क्राउली की मौत हुई उनमें से एक तुम्हारा डैड था। उसके बाद मेरी बेथ कहती है कि तुम सब कुछ जानने के बाद भी लोगों को स्वयं में भेजते हो और पैसा कमाते हो, जिस पर वो बताता है कि मैं पिछले 2 महीनों से इस टूर को चला रहा था, वो भी बिना किसी चिंता के, लेकिन ये सब केवल कल रात को ही हुआ। इसके बाद मेरी बेथ जॉम्बी को वापस उसी जगह पर जाने को कहती है ताकि वह अपने पिता और भाई की मौत का बदला ले सके। जॉम्बी कहता है कि तुम उसे नहीं मार सकती हो, अगर वो मर भी गया तो वापस फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन मेरी बेथ को पूरा यकीन होता है कि वह उसे मार देगी। वह कहती है कि मैं कुल्हाड़ी को उसके सर के अंदर घुसा दूंगी जैसे उसके पिता ने किया था। उसके बातें सुनने के बाद जॉम्बी जाने के लिए तैयार हो जाता है और उससे यह भी कहता है कि हमें कुछ गन और एक्सपर्ट हंटर की जरूरत पड़ेगी जो जॉम्बी का सामना कर सके। इसके बाद जॉम्बी मेरी बेथ को घर के किसी एक फैमिली मेंबर को लाने को कहता है जो उसके साथ चल सके, लेकिन मेरी बेथ बताती है कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। जिसके बाद जॉम्बी बिना किसी फैमिली मेंबर के उस जंगल में जाने से इनकार कर देता है। फिर वह बताती है कि मेरा एक अंकल है जिसे वो साथ ला सकती है। इसके बाद जॉम्बी उसे अगले दिन सुबह आने को कहता है, जिसके बाद मेरी बेथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉम्बी सॉन के भाई जस्टिन को बुलाता है और उसे एक्सपर्ट हंटर और फिशरमैन को इकट्ठा करने को कहता है। जस्टिन का फेस उसके भाई से काफ़ी मिलता जुलता था। जॉम्बी उसे नहीं बताता कि उसके भाई की मौत हो गई है और एक आदमी क्रैंड को खास इनवाइट करके बुलाने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरी बेथ अपने अंकल के घर पर होती है। वो उसे सारी बात बता देती है कि उसके पिता और भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर उसके अंकल काफ़ी दुखी हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान थे और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। इसके बाद वो बॉब को विक्टर क्राउली के बारे में बताने लगती है। बॉब इस कहानी को बस एक अफवाह मानता है। फिर मेरी बेथ अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, जिस पर बॉब कहता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन मेरी बेथ पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले अपने अंकल को एक बार स्वयं चलने को कहती है, जिस पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों जॉम्बी के घर जाते हैं, जहां पर जॉम्बी पहले से ही काफ़ी सारे हंटर को बुला रखा था। इन सभी में क्रैंक भी मौजूद होता है, जिसे जॉम्बी ने खास इनवाइट करके बुलाया था। इसके बाद जॉम्बी उन सब के सामने $500 का ऑफर रखता है और कहता है कि आप सभी को स्वयं की ओर जाकर मेरी बोट को लानी है। आगे वह बताता है कि इसी बीच उन्हें विक्टर क्राउली का शिकार भी करना पड़ सकता है। अब विक्टर क्राउली का नाम सुनते ही काफ़ी हंटर जाने लगते हैं, यहाँ तक कि क्रैंट भी उठकर जाने लगता है कि तभी जॉम्बी उसे ज़्यादा पैसे का लालच देकर रोक लेता है। उसके बाद वो उन सब से कहता है कि जो विक्टर क्राउली का सर लाएगा उसे वो $5,000 देगा, जो एक बड़ी रकम थी। इसके बाद वे सभी पूरी तैयारी के साथ स्वयं की ओर निकल जाते हैं। अब काफ़ी दूर जाने के बाद सॉन की बोट का कुछ हिस्सा मिलता है। जॉम्बी जानता था कि ये सभी खतरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो किसी को जाने से रोकता नहीं। अब कुछ देर बाद वे सभी स्वयं में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मेरी बेथ विक्टर क्राउली के घर को ढूंढने लगती है ताकि वो अपने पिता और भाई के डेड बॉडी को ले जा सके। उन्हें उसका घर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक उसका घर नहीं मिला था। जिसके बाद जॉम्बी उन सभी को कहता है कि अब हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर क्राउली के घर को ढूंढेंगे, अगर जिस भी ग्रुप को मिल जाए वो उसे शूट कर मार दे। यहाँ पर वह इनाम की राशि को फिर से दोहराता है कि विक्टर क्राउली के सर को लाने वाले को $5,000 मिलेंगे। इसके बाद जॉम्बी ट्रेंट, जस्टिन, बॉब और मेरी बेथ को लेकर एक तरफ चले जाते हैं और बाकी के दूसरी तरफ जाने वाले ग्रुप्स क्राउली के घर को नहीं ढूंढते हैं और मजे करने में लग जाते हैं। इनमें से 2 हंटर नदी के किनारे आकर एलिगेटर का शिकार करने लगते हैं। इन्हें क्राउली की कहानी बस एक बकवास लगती है, लेकिन तभी क्राउली की आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगती है, जो अपने डैड को आवाज़ लगा रहा था। इन्हें लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। अब उनके बगल की झाड़ियाँ हिलने लगती है। एक हंटर वहाँ देखने जाता है कि तभी क्राउली झाड़ियों से निकलकर उस पर अटैक कर देता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार मार कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरा हंटर ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर बोट पर आ जाता है और बोट को स्टार्ट कर यहाँ से निकल जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्राउली आकर उसे पानी में खींच लेता है और बोट की फैन में उसका सर लगाकर मार देता है। दूसरी ओर हम जस्टिन को देखते हैं, जो जॉम्बी से पूछता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। तुमने कहा था कि हम लोगों को सिर्फ बोट को ढूंढना है,
लेकिन यहाँ पर सभी के हाथों में बंदूकें हैं। जस्टिन को विक्टर क्राउली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, जिस पर जॉमी बताता है कि मैरी बेथ ने जो कहा वो सब सच है। इसके बाद वह बताता है कि ट्रेंट और बॉब वही लोग हैं जिसकी वजह से क्राउली की मौत हुई थी। जॉमी का सोचना था कि विक्टर क्राउली अगर उन्हें मार दे तो उसका बदला पूरा हो जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद वह अपनी टूर को फिर से स्टार्ट कर सके, और इसलिए वह उन्हें यहाँ लाया था। अब दूसरी ओर देखते हैं कि दो हंटर जिनका नाम एवरी और लिटन है जंगल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। अब वो दोनों इंटरकोर्स कर ही रहे होते हैं कि तभी क्राउली आकर लिटन का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो एवरी को भी दो टुकड़े करके मार देता है। उधर मैरी बेथ को क्राउली का घर मिल जाता है। बाहर दो हंटर को तैनात कर वह घर के अंदर जाती है, लेकिन उस घर में ना ही क्राउली होता है और ना ही उसके पिता और भाई की डेड बॉडी, जिसके बाद वह रोने लगती है। अब बाहर खड़े दो हंटर को क्राउली की आवाज़ आने लगती है। वे दोनों गन लेकर उस आवाज़ की ओर बढ़ते हैं। इसी दौरान क्राउली एक सॉ मशीन लेकर उन दोनों को एक बार में दो टुकड़े कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ घर के अंदर पड़े लोगों को पड़ जाती है, जिससे वह काफ़ी घबरा जाते हैं और घर के अंदर ही छिप जाते हैं। इसी बीच मैरी बेथ जस्टिन को उसकी भाई के मौत के बारे में बता देती है कि सॉन अब जिंदा नहीं है। उसके बाद जस्टिन जॉम्बी पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि जॉम्बी ने अभी तक उसके भाई के मौत के बारे में नहीं बताया था। इसके बाद जॉम्बी उसे चुप कराता है और शांत रहने को कहता है, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। इसके बाद बॉब मैरी बेथ को एक कमरे में छिप जाने को कहता है। जस्टिन उसे लेकर एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है, और इसी दौरान वह मैरी बेथ को जॉम्बी की सारी असलियत को बता देता है कि वह बॉब और क्रेंट को क्राउली के हाथों मरवाना चाहता है, जिससे क्राउली का बदला पूरा हो सके और वो इस शरीर से मुक्त हो जाए, जिसके बाद वह अपनी टूरिज्म को बिना किसी परेशानी के चला सके। उसकी बातें सुनने के बाद मैरी बेथ बॉब को बचाने चली जाती है। इधर जस्टिन अब अकेला पड़ जाता है। वह अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि क्राउली उसके पीछे ही खड़ा है। अब वह उस पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, फिर उसके बाद एक मशीन लेकर उसके सर को पूरी तरह से काटने लगता है। उसकी चीखने की आवाज़ बॉब सुन लेता है, जिस पर वह उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच मैरी बेथ अपने अंकल बॉब को अंदर जाने से मना करने लगती है कि तभी क्राउली दरवाजे को तोड़ते हुए उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त क्रेंट भी वहां आ जाता है और उसे शूट करने लगता है, लेकिन उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद क्राउली क्रेंट पर हमला कर देता है। इसी दौरान जॉम्बी घायल बॉब को वहीं छोड़ मैरी बेथ को लेकर जाने लगता है। बॉब किसी तरह उठकर उसके पीछे आने लगता है, लेकिन जॉम्बी बाहर के दरवाजे को लॉक कर देता है, जिस वजह से वह घर के अंदर ही रह जाता है। अब दूसरी तरफ ट्रेंट और क्राउली एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिस पर क्राउली ट्रेंट के एक पांव को तोड़ देता है, और उसके बाद वह एक टेबल के जरिए उसका आधा सर ही काट देता है, जिससे वह वहीं मारा जाता है। अब इसके बाद क्राउली बॉब की तरफ बढ़ता है और उसे भी बहुत बेरहमी से मार देता है। ये देखकर जॉम्बी को लगता है कि विक्टर क्राउली का बदला अब खत्म हो गया, क्योंकि जिन तीन लोगों की वजह से क्राउली की मौत हुई वो ट्रेंट, बॉब और जस्टिन थे, जिन्हें क्राउली ने मार दिया है। अब इसके बाद उसका टूरिज्म का बिजनेस चलता रहेगा, वह भी बिना किसी परेशानी के, और इसलिए वह इन सबको यहाँ पर लाया था। उसकी बातें सुनने के बाद मैरी बेथ कहती है कि वो जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी, जिसके बाद जॉम्बी उसे गन पॉइंट पर ले आता है और उसे शूट कर देना चाहता था, लेकिन इसी बीच वह बताती है कि क्राउली का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जिसे वह साथ लाई थी यानी बॉब उसके अंकल नहीं है, वो उसके पिता के सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मेरे असली अंकल की मौत काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी थी। इसी बीच क्राउली घर से बाहर आता है और जॉम्बी की तरफ बढ़ने लगता है। जॉम्बी उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्राउली अपने कुल्हाड़ी से उसे मार मार कर दो टुकड़े कर देता है। फिर उसके बाद क्राउली उसकी बॉडी पर से उसका स्किन उतार कर फेंक देता है। मौके का फायदा उठाकर मैरी बेथ एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर अटैक कर देती है, और वह बार बार उसी कुल्हाड़ी से उस पर वार कर उसका चेहरा ही खराब कर देती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि क्राउली अभी भी मरा नहीं था। फिर इसके बाद मैरी बेथ एक गन लेकर उसे शूट कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे पर शेयर भी कर दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।